राजस्थान तक के चौपाल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। राजस्थान सरकार के 4 साल बीत चुके हैं और ऐसे में कई तबके ऐसे हैं, कई वर्ग ऐसे हैं जो राजस्थान सरकार से खफा है। आशा सहयोगिनियां, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी आज जयपुर में हुंकार भर रही है और मुख्यमंत्री आवास से कुछ ही कदमों पर यहाँ पर विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस समय हम सिविल लाइन फाटक पर मौजूद हैं, तस्वीरें देख सकते हैं। पूरे राजस्थान से अलग अलग जिलों से यहाँ पर जो आशा सहयोगिनियाँ हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, बड़ी संख्या में हाथों में अपने एक तरह से कहें कि संगठन का बैनर लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विभिन्न मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं ये सरकार के 4 साल से भी खफा है। कई मांगों को लेकर ये लगातार प्रदर्शन करते आ रहे थे लेकिन सरकार ने इनकी एक ना सुनी और ऐसे में आज ये खफा होकर यहाँ पर हुंकार भर रही है। कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? हमारे को 30 साल हो गए मेरे को काम करते हुए। सन 1975 से आंगनवाड़ी खुली हुई है पर हमारी बहनें इसी तरह काम कर रही है। हमसे बहुत सारा काम लिया जा रहा है, उसके बदले में दाम बहुत कम दिया जा रहा है क्या? नहीं, आप जो आप मान दिया, आपको अभी कितना मिल रहा है? अब 8,500 मिल रहा है। 8,500 में खर्च चल जाता है पूरा? नहीं चलता है। अच्छा, कितना राशि आप महीने की मेहनताना मांग रहे हो? 18,000। अच्छा, और हमें परमानेंट किया जाए? पहले तो हमारे परमानेंट करेंगे जब भी हमें सारी सुविधा मिलेगी, वरना हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी भी पूरी खुशियाँ पूरी नहीं हो पा रही है। हम दूसरे के बच्चों की सारा सेवा दे रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। आपके जब आप काम करते हो, कौन कौन सी सरकार की योजनाओं को आप धरातल तक पहुंचाने का काम रहता है आपका, और मुख्य रूप से कोविड वॉरियर्स की भी भूमिका निभाई थी आपने? निभाई थी। जब से कोरोना लगा, जान को हथेली में लेकर हमने काम किया था और हमारे से काम किया ना, उसमें से मेरी बहनों ने जान भी दे चुकी है, उसे हमारे उसमें काम किया, उसमें हमारे कोई फ़ायदा नहीं मिला। और हमारा एक ही उद्देश्य लेके आए हैं, हमारा पहला उद्देश्य है हमें राज्य सरकार कर्मचारी घोषित करे, हमें परमानेंट करे। और दूसरी हमारी मांग है, जो हमारी बहनें ये कार्यरत हो चुकी है या कार्यरत पे है या होने वाली है, उनके लिए 5 लाख का बोनस मिले उनको दिए, और उनको 5,000 प्रति माह उनका खर्चे के लिए दिया जाए, ये हमारी दूसरी मांग है। और तीसरी मांग है कि जो बहनें 10 वर्ष से अधिक कार्य कर चुकी है, MA BEd बहनें भी मेरे इस कार्यक्रम में भाग में काम करती है, उसको सीधी भर्ती से सुपरवाइज पद पे लिया जाए। और मेरी तीसरी मांग है कि जो हमारी बहनें जो कार्यकर्ता है उसको सीधा सुपरवाइजर बनाए, सहायिका है उसको आंगनबाड़ी वाली वर्कर बनाए, जो मेरी आशा बहन है उसको NM बनाए, और जो मेरी ग्राम साथीन बहन है उसको प्रचिक्ता बनाए। और मेरी पहली प्राथमिकता है कि हमें परमानेंट करे। जो एक तरह से कहें कि आप दिहाड़ी मजदूर होते हैं ना, दिहाड़ी मजदूर को भी मेहनताना अच्छा मिलता है, उससे भी कम मेहनताना आपको? मेरा सवाल है सर, सरकार से मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, सन 1975 से हमारी बहनें आंगनवाड़ी में काम कर रही है, आज वो रिटायर्ड हो चुकी है, उस टाइम पे हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, वो 100 रुपये में लगी थी इसमें, आज वो रिटायर्ड हो चुके, उनको क्या लाभ मिला इसमें? तो हम यही चाहते हैं राज्य कर्मचारी हमें घोषित किया जाए, और जो बहनें पुरानी रिटायर्ड हो चुकी हैं उनको भी इसका लाभ दिया जाए, सरकारी पेंशन चाहिए बस। आप क्या कह रहे हो? मैं ये कहना चाहती हूँ CM महोदय और PM महोदय से कि हम लोगों को मतलब एक जो दिहाड़ी मजदूर है उसको जो मानदेय मजदूरी दी जाती है वो कम से कम 400 रुपये पर डे दी जाती है। हम लोगों को आप ये बताओ मतलब पर डे अकॉर्डिंग जो हमारी हेल्पर है उनको 150 रुपये पर डे, 150 रुपये में कैसे वो खर्चा चलाए, और जो हमारी वर्कर हैं उनको कितना मिल रहा है 250 रुपये पर डे। हमें 6 घंटे ड्यूटी करवाई जा रही है, हम 6 घंटे काम करने के बावजूद हमें इतना नहीं दिया जाता कि हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकें या खिला सकें। हमें ये बता दे गवर्नमेंट, इनके घर में जो पालतू जानवर है ना उनका खर्चा नहीं चल सकता है, जितनी हमको पेमेंट दी जा रही है, मानदेय दिया जा रहा है, वो भी मानदेय हमें 2 टुकड़ों में, इतना सा मानदेय उसको भी 2 टुकड़ों में कर दिया, क्यों? हमें कम से कम इतना दो गवर्नमेंट कि हम उससे अपने बच्चों को पाल सकें, अपनी घर परिवार को चला सकें। हम यही मांग कर रहे हैं PM महोदय CM महोदय से कि हमें परमानेंट करें, और परमानेंट नहीं हो रहे हैं जब तक हमें इतना कम से कम 18,000 रुपए तो दे जिससे हम अपने घर को अच्छी थोड़ी से चला सके। बिल्कुल, ये दर्द है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया था कि सरकार है, जो भी सरकारें हैं उनको मानदेय बढ़ाना होगा इनका, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को भी धत्ता बता रहे हैं सरकार, उनकी झूठी नीति, कुछ भी झूठी नीति है, हर बात झूठ में, हर कसेली दे के हमें रवाना कर देते हैं, कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है हमसे,
कोई कोई किसी को कुछ नहीं सुनता। हमने कितने भी जा चुके हैं, धरने लगा चुके, हमारा कोई लेना देना नहीं है किसी को। कोई जो हमारे बाद में जो सहायक सचिव लगे उनको स्थायी कर दिया गया है, तो हमारी क्या कैटेगरी है? फिर आप भी अंदाजा लगा दो हम क्या है। जो हम 60 साल पूर्ण हो गए हैं, हमारी बहनें 60 साल पूर्ण हमारे हो गई है, और हमारे अधिकारी सरकार के 4 साल बीत चुके हैं, अब भी क्या उम्मीद है आपको? अभी हमें कोई उम्मीद नहीं, लेकिन उम्मीद लेके आए हैं कि हमारी उम्मीद को पूरा करेंगे। अगर हमारी उम्मीद पूरी होती है तो सरकार वापस आएगी, और हमारी उम्मीद नहीं है तो ना ही हम वोट देंगे और ना देने देंगे। ये सीट आएगी नहीं, ये सीट आएगी नहीं। कोई भी सरकार अगर हमारे बारे में नहीं सोचेगी, हमारे हित के बारे में, वो सरकार राजस्थान में दोबारा दिखेगी, राजस्थान का देश में अभी नहीं दिखेगी। जो हमारा सोचेगी वही सरकार आएगी। बस देखिए गहलोत साहब, ये आपके खिलाफ नाराजगी है, सरकार के 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन 4 सालों में, बीते 4 सालों में आपने इनके लिए क्या कुछ किया है, ये इनका दर्द बयां कर रहा है। अब इनका यही है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होगी तो आने वाले चुनाव में ये कांग्रेस का विरोध करते हुए भी नजर आएगी, जैसा कि इनका कहना था। ऐसे में जरूरी है कि सरकार कुछ कोई भी हो, इनकी मांगों को समझना होगा। ज़्यादा मांगे नहीं है, क्योंकि जब दिहाड़ी मजदूर जब अपने कमठे पे काम पे जाता है, उस वो भी अपने घर का गुजारा कर पाते हैं, लेकिन 8,000 रुपये में, जैसा कि उन्होंने कहा कि पाल तो कुत्ते के भी एक तरह से कहें कि उसको खर्च करने की जो राशि है उनके लिए भी कम पड़ रही है, तो इंसानों के लिए भी सोचने वाली बात है। इसलिए ज़रूरी है कि इनकी मांगों पर गौर किया जाए, और इनकी मांगों पर गौर करते हुए इनको कहीं ना कहीं आश्वासन नहीं बल्कि स्थायी समाधान निकाला जाए। कैमरा सहयोगी चेतन गुर्जर के साथ विशाल शर्मा, जयपुर राजस्थान तक।